मैं शुरू में आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे अवसर दिया इस अति महत्वपूर्ण इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के बिल पर अपने विचार प्रकट करने के लिए। सभापति महोदय, शुरू में ही माननीय मंत्री मोदी जी का सहे दिल से स्वागत करता हूं कि इस देश की सारी जनता के लिए यह महत्वपूर्ण और आवश्यक कानून था। 29 बरस के बाद भी इस कानून में सुधार आ रहा है और मेरी सरकार यह सुधार ला रही, वो बहुत आनंददायी घटना में समझता हूं। सभापति महोदय, मैं छोटी छोटी चीजों की तरफ जब देखता हूं तो आजकल ISI मार्क मतलब ऐसा हो गया, इस बिल में एक अच्छा प्रावधान किया उन्होंने, हॉलमार्क जैसा आना चाहिए। कोई प्लास्टिक की पर्ची लगा देता है ISI मार्क, पता नहीं यह ही नहीं है, कौन जांचेगा? मटेरियल ले लो, बर्तन ले लो, कुछ भी, जो भी कोई चीज हम मार्केट में लेते हैं, वेदर इट इज मेटेलिक और एनी अदर चीज, तो हर चीज पर वो ISI मार्क मिलता। कभी कभी हम देखते रहते, दूध की पिशवी ले लो तो उसके ऊपर भी ISI मार्क मिलता है और फिर भी उस दूध में प्रदूषण, उसमें कुछ जहर मिक्स किया हुआ है, सारी चीजें मिक्स हुई है, किसी को डर नहीं लगता था। ये पहली बार हो रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। कौन सी चीजों का आपने ले लिया? एक भी छोटी चीज ने आपने छोड़ दी। आई डोंट नो वेदर बीजू हैज सेड वेदर द फूड प्रोडक्ट्स आर देयर और नॉट, आई एम ऑफ द ओपिनियन द फूड प्रोडक्ट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन दिस बिकॉज द प्रोसेसिंग इज टू बी डन इन द केस ऑफ फूड प्रोसेसिंग फूड, इज इट नॉट? सेपरेट स्टैंडर्ड्स आर बट रिलेटिव, बट द स्टैंडर्ड्स विल बी देयर, स्टैंडर्ड्स नहीं भी डिफरेंट, बट इट विल बी अगेन अ ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, इट हैज टू सर्टिफाई दैट। हमारे यहां अभी क्या हो रहा है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की हम बात करते हैं, चाइना की चीजें आ रही है और पता नहीं उसके ऊपर ISI मार्क लगा के भेज देंगे मार्केट में। तो आपने इतना अच्छा काम कर दिया कि अगर गाड़ी भी ले ले, नया मॉडल भी अगर आ जाएगा बाहर, वो गाड़ी भी यहां लानी है तो सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, और विदाउट सर्टिफिकेशन गाड़ी मार्केट में नहीं आएगी। ये बहुत ही स्वागतार्ह घटना मैं समझता हूं। मैं इसमें दो तीन चीजों का ही जिक्र करूंगा। अब रही बात, जब आप ISI कर ही रहे हो तो इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के, ये इस चीजों में हमारी जो यंत्रणा खड़ी होगी अभी, उसमें ऊपर मुझे जरा एक अच्छा हो गया, लाइसेंस राज गया। लेकिन जो यंत्रणा हम खड़ी करने वाले हैं वो बहुत सशक्त होनी चाहिए, वो अगर सशक्त नहीं हुई तो फिर इसके परिणाम हमें मिलेंगे नहीं। और मैं बहुत डिटेल भी बोलने की बजाय दो तीन चीजों का खास जिक्र करूंगा कि इस बिल में, अरे हाईकोर्ट का बिल, जो प्रावधान किए गए उसमें खास करके गवर्नमेंट के पास डायरेक्टर कंपलसरी कर दिया कि वो बताना ही पड़ेगा, लेके आना ही पड़ेगा, सर्टिफाई करना ही पड़ेगा, फिर जाकर मार्केट में आ जाएगा। अब जब मार्केट में आया है तो उसकी जांच करने के लिए एक टीम होनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि आ गई चीजें, सर्टिफिकेट आ गया है, पता नहीं आया नहीं आया, लेकिन उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन के लिए लाइसेंस राज ना हो, लेकिन सरप्राइज विजिट देकर मार्केट में देखना चाहिए। खास करके मैं फूड प्रोडक्ट्स में देखता हूं, दूध के बारे में जो प्रताड़ना हो रही है, बच्चों की जिंदगी के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को जो शिक्षा होनी चाहिए, शासन होना चाहिए था, वो शासन इससे भी ज्यादा सख्त इस कानून में आना चाहिए था, मुझे लगता है, जो जहर हमारे बच्चों को दे रहे हैं उनके लिए। प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर सेल सर्टन गुड्स विदाउट स्टैंडर्ड मार्क, यही उसका बहुत महत्वपूर्ण कलम मैं समझता हूं। सभापति महोदय, उसको इन्होंने एक चीज और भी की है, यहां भी इंटर ISI मार्क दे सकते या किसी भी, ये जो क्लॉज है आपका कि एक्रेडिशन आउटसाइड द इंडिया ऑल्सो, इफ इट इज बीन डन बाय आउटसाइड इंडिया, रिकॉग्नाइज और एक्रेडिट एनी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया और आउटसाइड विच इज एंगेज इन स्टैंडर्डाइजेशन। ये चीजें पब्लिक को कैसे मालूम होगी? मैं माननीय मंत्री महोदय से कहता हूं, मेरी आपसे विनती रहेगी, इस छोटी छोटी चीजों की जानकारी हम मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जनता की तरफ जानी चाहिए। हम कानून अच्छे बनाते हैं, हाल ही में मैगी का क्या हुआ हमने देखा, सरकार की तरफ से कहा गया कि मैगी जहरीला है, बंद कर दिया,
फिर किसी ने कह दिया कि मैगी अच्छी है, फिर मैगी मार्केट में आ गई, फिर शासन, फिर हमारी सरकार कहती है नहीं नहीं हम मैगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तब तक लोग खा लेंगे मैगी। तो ये जो चीजें हो रही है उसको रोकने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है ये कानून आगे चलकर इसको रुकावट लाएगा। और हमारी जनता को आज बहुत ही, आजकल बाजार में केले देखिए आप, अब केले उन जमाने में पके हुए केले अगर पीली उस पीला उसका छिलका दिखता है तो हम समझते थे अच्छे, उसके ऊपर दाग रहे तो और भी अच्छा समझते हैं। आज तो टेबल वैरायटी आई, उसका डेट देख लो तो हरा है, छिलका देख तो पीला है, पूछा तो क्या करते हैं बोलते किसी केमिकल में डुबा के लाते हैं, उसको कौन देखने वाला है। बाजार में सब्जियां बेची जा रही है, बाजार में फ्रूट्स बेचे जा रहे हैं, उसके ऊपर क्या हमारा ध्यान होगा, कैसे हमारा ध्यान होगा। अब केले की बात आती है, वैसे आम की बात भी है। अब आम का सीजन अप्रैल से शुरू होना चाहिए, हम देखते तो दिसंबर में आम आ जाता है मार्केट में, और उसको भी पीला छिलका एकदम डुबा के ला देते, कुछ पेड़ों के इसमें अलग सा केमिकल यूज कर देते हैं। ये केमिकल यूज करने उसको कैसे प्रतिबंध होगा। तो पहली बात है मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन इटसेल्फ हैज टू बी कंट्रोल। अगर प्रोडक्शन कंट्रोल करने के लिए उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने खेती के बारे में ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं, हम लोग अभी सिक्किम में पूरा राज्य ऑर्गेनिक खेती करता है, बहुत स्वागतार्ह चीज है। उसी तरह ऑर्गेनिक खेती की जब बात करते हैं, इन प्रोडक्ट्स के बारे में हम क्या करने वाले, सेब देखो एकदम सुंदर परदेश से आए हुए हैं, बताएंगे ये बहुत अच्छे, हमारे कश्मीर के सेब अच्छे क्यों नहीं है। तो इन चीजों पर भी मुझे लगता है आगे चलकर, हो सकता है एक ही समय पे नहीं होगा, फिर भी इन चीजों के ऊपर भी मेरी सरकार ध्यान देंगे। मैंने मेरे मंत्री इसमें बहुत ही सहृदयी है, मैं चाहता हूं कि आगे चलकर ये छोटी छोटी चीजों पर भी आप ध्यान दोगे। फिर दोबारा मैं इस बिल का स्वागत करके मेरा बनोगे समाप्त करता हूं, विदाई, धन्यवाद सभा।